एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा क्या है। स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम स्वामी विवेकानंद जी के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणादायी व अनमोल विचार सुनने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को वाकई में बदल के रख देंगे। क्योंकि मैं खुद स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी से, उनके विचारों से बहुत प्रभावित होता हूँ। उनके विचार, उनकी जिंदगी के किस्से मेरे जीवन में हमेशा एक नई ऊर्जा उत्पन्न कर देती हैं। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि एक बार वीडियो को जरूर अंत तक देखना और ऐसी महान आत्मा के प्रेरणादायी विचारों से जरूर कुछ सीख कर जाना। एक विचार लो और उस विचार को अपनी जिंदगी बना लो, उसी विचार के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उसी को जियो। जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो कमजोर हो जाओगे, अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। दुनिया में सबसे शक्तिशाली मनुष्य की वाणी है, जो हथियार उठाए बिना ही क्रांति करवा सकती है और परिश्रम किए बिना शांति। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को गद्दार मानता हूं जो उनके बल पर शिक्षित हुआ और अब वह उसकी ओर ध्यान नहीं देता। एक मूर्ख जीनियस बन सकता है यदि वह समझता है कि वह मूर्ख है, लेकिन एक जीनियस मूर्ख बन सकता है यदि वह समझता है कि वह जीनियस है। विचार इंसान को महान बनाते हैं और विचार ही इंसान को नीचे गिराते हैं। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। जिस प्रकार केवल एक ही बीज पूरे जंगल को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त है, उसी प्रकार एक ही मनुष्य विश्व में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है। अपने में बहुत सी कमियों के बाद भी हम अपने से प्रेम करते हैं, तो दूसरों में जरा सी कमी से हम उनसे कैसे घृणा कर सकते हैं। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, जियो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उगकर उसी मकसद पर फिर से जंग कर सको। युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। परेड में पीछे मुड़ बोलते ही पहला आदमी आखिरी और आखिरी आदमी पहले नंबर पर आ जाता है। जीवन में कभी आगे होने का घमंड और आखिरी होने का गम ना करें, पता नहीं कब जिंदगी बोल दे पीछे मुड़। जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है, तो गंदे और मैले विचारों में भी शर्म आनी चाहिए। अपने जीवन में जोखिम ले। यदि आप जीतते हैं तो नेतृत्व करते हैं, यदि आप हारते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा यह सिर्फ बुरे का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। हम हमेशा अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बताने की कोशिश करते हैं, अपनी भावुकता को प्रेम कहते हैं और अपनी कायरता को धैर्य। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं, अगर आप नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। इच्छा का समुद्र हमेशा अतृप्त रहता है, उसकी मांगे ज्यों ज्यों पूरी की जाती है त्यों त्यों और गर्जन करता है। तो बाकी यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब वीडियो आपको काफी पसंद आया है। तो आपसे निवेदन है कि अंगूठे वाला बटन दबा के इसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना कि वीडियो आपको कैसी लगी। दूसरा, अगली वीडियो किस प्रकार की देखना चाहेंगे और किस टॉपिक पर जरूर बता के जाना, ताकि अपने दोस्तों और लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दूसरा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही हमारे चैनल पर मोटिवेशनल स्टोरीज, जिंदगी बदलाव से संबंधित हाई पावर मोटिवेशनल वीडियोज, वे प्रेरणादायी बातें और महान लोगों के अनमोल विचार सुनते रहें और अपने अंदर के मोटिवेशन को हमेशा जगाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।